हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फॉर सब्जेक्ट हिंदी। पिछले वीडियो में मैंने अभ्यास के लिए टॉपिक में भाषा ज्ञान में प्रश्न नंबर 3 तक पूरा कर लिया था। आज हम आगे का समझेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, कविता में से संज्ञा शब्द छांटकर तालिका पूरी कीजिए। तो हमने जो कविता पढ़ी ना, उसमें अलग अलग संज्ञा के शब्द दिए हुए हैं, तो आपको उसमें से संज्ञा के वाले शब्द ढूंढकर इधर लिखने हैं। जब मैंने आपको संज्ञा का टॉपिक समझाया था, तब मैंने बताया था कि संज्ञा अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा। तो आपको कविता में से उसी प्रकार से शब्द ढूंढकर इधर लिखने हैं। तो मैंने इधर शब्द लिखे, वो समझाती हूँ। तो इधर अलग अलग बॉक्स दी है, उसमें पहला है व्यक्ति, फिर है वस्तु और तीसरा है भाव। जहाँ व्यक्ति लिखा है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द लिखने हैं, वस्तु लिखा है उसमें वस्तुवाचक संज्ञा वाले शब्द लिखने हैं, और भाव लिखा है वहां भाववाचक संज्ञा वाले शब्द लिखने हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो अब हम देखते हैं। देखिए, पहला है व्यक्ति। तो कविता में कौन कौन से व्यक्तियों की बात है? दो व्यक्तियों का संवाद दिया हुआ है ना, तो कौन से व्यक्ति का? गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। तो कविता में ये दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है, तो आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद है वस्तु। तो कविता में कौन कौन सी वस्तु यानी चीजों की बात की है? लाठी, फिर कुटिया, दीप और छड़ी। तो आपको इन सब चीजों का नाम जो हा वस्तु लिखा है उसमें लिखना है। उसके बाद भाववाचक। तो भाव लिखा यानी कि भाववाचक संज्ञा है। तो कौन कौन से भाव के नाम आए हैं? अंधकार, निर्मल, क्रोध, प्रेम और अहिंसा। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आपको जो भाव लिखा है उसमें वो लिखना है। समझ में आ गया? गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लाठी, कुटिया, दीप, छड़ी वो वस्तुवाचक संज्ञाएं हैं, अंधकार, निर्मल, क्रोध, प्रेम और अहिंसा वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर 5, उसमें अर्थ जानकर वाक्य पूरे कीजिए। तो इधर ब्लैंक्स दी है, ब्लैंक्स के सामने ब्लैकर्स में दो शब्द दिए हुए हैं। तो आपको पहले इन शब्दों के अर्थ समझने हैं, उसके बाद कौन सा शब्द किस ब्लैंक्स में लिखना है वो उसी हिसाब से आपको इधर लिखना है। तो इधर देखिए, ब्लैंक्स में कौन सा शब्द है? पहला और। तो पहले हम उसका अर्थ समझेंगे। और का मतलब होता है तरफ, यानी दिशा बताने के लिए हम और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं बाजार की ओर जा रही हूँ, यानी कि दिशा, किस तरफ जा रहे हो आप? बाजार की तरफ। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैं बाजार की ओर जा रही हूँ। और दूसरा शब्द है और। तो और शब्द कब लिखते हैं हम? कि दो व्यक्तियों की बात हो, दो वस्तुओं की बात हो, तो बीच में हम और शब्द लगाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मुझे आम और अंगूर पसंद है, यानी कि मुझे आम भी पसंद है और अंगूर भी पसंद है, ऐसे नहीं बोला मैंने। जैसे मैंने किस तरह बोला? मुझे आम और अंगूर पसंद है, यानी आम और अंगूर दोनों मुझे पसंद है। यानी दो व्यक्ति वस्तु की बात हो रही हो तो बीच में हम और लगाते है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ होगा। तो पहला है क वाला, उसमें गांधी जी जवाहरलाल जी की खाली जगह देख रहे है। तो इधर क्या आएगा ब्लैंक्स में? और आएगा या और आएगा? और आएगा। क्यों? क्यों गांधी जी किस तरफ देख रहे, किस दिशा में? जवाहरलाल जी की ओर। तो इधर और शब्द आएगा, की ओर का मतलब होता है तरफ, यानी दिशा बताने के लिए। दूसरा है गांधी जी खाली जगह जवाहरलाल जी बात कर रहे है। तो इधर और आएगा कि गांधी जी और जवाहरलाल जी बात कर रहे हैं। कौन कौन बात कर रहा है? गांधी जी और
जवाहरलाल, यानी यहाँ दो व्यक्तियों की बात है तो बीच में हम और लिखेंगे। अब ख वाला है, गांधी जी खाली जगह की ओर चले गए, और गांधी जी के आश्रम में खाली जगह आ गए। तो इधर सामने ब्रैकेट्स में दो शब्द दिए हैं, बाहर और बाहर। बाहर का मतलब क्या होता है? बाहर यानी मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ कि बगीचे में बहुत सारे फूल खिल गए हैं, इसलिए बगीचे में बाहर आ गई। बाहर आ गई यानी बहुत सारे फूल खिलते हैं तो बगीचा कैसा खुशनुमा लगता है ना, सुंदर लगता है, सुंदर लगता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? बाहर आ गई। तो बाहर उस अर्थ में लिखा जाता है। और बाहर, बाहर का मतलब है किसी जगह से बाहर, जैसे कि कमरे से बाहर जाना, गांव से बाहर जाना, शहर से बाहर जाना, उस अर्थ में बाहर शब्द का प्रयोग होता है। तो इधर ब्लैंक्स में देखिए, गांधी जी खालजग्या की ओर चले गए, तो कहाँ चले गए? बाहर की ओर। वो कुटिया में बैठे थे तो बाहर की ओर चले गए यानी कुटिया से बाहर गए। तो उसमें पहली ब्लैंक्स में क्या आएगा? बाहर आएगा। अब दूसरी वाली ब्लैंक्स है, गांधी जी के आश्रम में खाली जगह आ गई, तो आश्रम में कोई खुशी का माहौल होगा यानी कोई आया होगा उनके यहाँ घर पे कुटिया में आश्रम में, तो उससे क्या हुआ? बाहर आ गई। जैसे कि हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हमारा घर पे कैसा माहौल हो जाता है, प्रसन्न, सब खुश खुशहाल हो जाते, जैसे कि घर में बाहर आ गई हो ऐसा माहौल हो जाता है ना। तो गांधी जी के आश्रम में बाहर आ गई, क्या आ गई? बाहर। इसमें दूसरे वाले ब्लैंक्स में बाहर शब्द आएगा। उसके बाद तीसरा है, उसमें ब्रैकेट्स में दो शब्द दिए है, समान और सामान। समान का मतलब क्या होता है? दोनों की तुलना करना। हम तुलना करते हैं ना कि मेरे पास एक समान दो घड़िया है, मेरे पास एक समान दो किताबें है। समान यानी एक ही सरखी। आपने गुजराती में क्या शब्द प्रयोग करेंगे उसके लिए? दोनों एक, आपने कहते हैं एक सरखा छे बनने, आपने कहिए ना ये शब्द वापरिए, यानी समान, सरखा यानी समान, समझ में आ गया। और सामान, सामान यानी हम बाजार में से कुछ लाते हैं घर पे तो उसको क्या कहते हैं? सामान, कि मैं ढेर सारा सामान लेकर आया हूँ। तो यहाँ देखिए, घमे जवाहरलाल जी ने बाजार से कुछ खाली जगह खरीदा। तो बाजार से हम क्या खरीद कर लाते हैं? अलग अलग चीजें खरीद कर लाते हैं ना, उसको सामान बोलते हैं। तो क्या आएगा पहली वाली ब्लैंक्स में? सामान आएगा। अब दूसरा वाला है, गांधी जी जवाहरलाल जी के विचार एक समान थे। तो गांधी जी और जवाहरलाल के विचार एक सरखा, तबन्नेना विचार के बाद एक सरखा, सरखा यानी समान, एक जैसे, जैसे भी बोल सकते हैं, समान भी बोल सकते हैं। तो दूसरी वाली ब्लैंक्स में समान आएगा। समझ में आ गया? पहली वाली ब्लैंक्स में और, फिर इसमें और। ये वाला जो ख वाला है उसमें पहली ब्लैंक्स में है बाहर और दूसरी ब्लैंक्स में बाहर। ग वाला में पहली ब्लैंक्स में सामान और दूसरी वाली ब्लैंक्स में समान। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे है विषय संवर्धक क्रिया कलाप। क्या दिया है? विषय संवर्धक क्रिया कलाप, तो वो आपको अभी नहीं करना है। उसके बाद इधर कविता पंक्तियां बनानी है, वो आपको नहीं बनानी है। उसके बाद प्रश्न नंबर दो है। प्रश्न नंबर दो में है, गांधी व नेहरू जी से जुड़ी कुछ चीजों को पहचानिए और लिखिए। तो इधर अलग अलग चीजों के इधर चित्र दिए हैं, देखे आपने? तो इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल गांधी जी करते थे, यानी गांधी जी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, और कुछ चीज ऐसी है जो जिसके साथ नेहरू जी का नाम जुड़ा हुआ है। जैसे कि पहले है तीन बंदर, तो हम कहते हैं ना गांधी जी के तीन बंदर, यानी पहला वाला बंदर क्या बताता है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। यानी इन तीन चीजों के बारे में किसने? हमें गांधी जी ने बताया कि हमें कभी भी बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए और बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो इन बंदरों के साथ देखते हैं हमें किसकी याद आ जाती है? गांधी जी की। तो नीचे क्या लिखना है? गांधी जी, क्योंकि ये गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद है ये छड़ी यानी लाठी।
हमने चित्र में देखी थी, गांधी जी के हाथ में ऐसी छड़ी थी ना, वो अपने साथ हमेशा ऐसी छड़ी रखते थे। तो इसके नीचे क्या लिखना है, गांधी जी। फिर ये चश्मा यानी कि ऐनक, कौन पहनते थे ऐसे चश्मा, कौन पहनते थे, गांधी जी, तो ये भी गांधी जी के है, तो इसके नीचे भी गांधी जी लिखेंगे। फिर ये अचकन यानी कि शेरवानी, कौन पहनता था ऐसी शेरवानी, नेहरू जी। कौन पहनता थे, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमेशा ऐसी शेरवानी पहनते थे, तो इसके नीचे नेहरू जी लिखेंगे। उसके बाद है ये वाली टोपी, तो ऐसी टोपी कौन पहनता था, नेहरू जी पहनते थे, कौन पहनता था, नेहरू जी, तो इसके नीचे नेहरू जी लिखेंगे। उसके बाद है ये क्या है, आप जानते हो इसको, कभी देखा है अपने चित्र में, तो इसको चरखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरखा। तो ये चरखे से क्या काम होता है, सूत निकलता है, रुई से हम सूत बनाने का काम इससे कर सकते हैं। तो और सूत से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, हम जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना वो किससे बनते हैं, सूत से। तो पहले बड़े बड़े मशीन नहीं थे, तब इसे चरखे में सूत बनाया जाता था रुई में से, और फिर उसमें से कपड़ा बनाया जाता था। गांधी जी अपने कपड़े खुद बनाकर पहनते थे। तो ये चरखा किसका है, गांधी जी का, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, गांधी जी। समझ में आ गया बच्चों, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।